सो बेसिकली चेस्ट उन मसल्स में से एक है जिसको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू द अदर मसल। जैसे अगर आप बात करें बाइसेप की, तो बाइसेप को ग्रो करना फिर भी इजी है, बट चेस्ट को ग्रो करना थोड़ा मसल होता है। चेस्ट में स्पेशली अपर चेस्ट, अपर चेस्ट मोस्ट लोगों का वीक ही होता है, और मेरे ख्याल से आप में ज्यादातर लोगों का भी अपर चेस्ट वीक होगा, और आप मोस्टली वर्कआउट रूटीन ट्राई कर चुके होंगे, फिर भी आपका अगर अपर चेस्ट बढ़ा नहीं है, तो मैं एक एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज को आप अपने जो आपका जो भी चेस्ट रूटीन है उसमें ऐड करें, किसी एक्सरसाइज की जगह आप इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हैं उसकी जगह, इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं उसकी जगह ऐड करके देखें, और 3 महीने तक इसको अपने रूटीन में जब भी आप चेस्ट लगा रहे हैं तब रखें, और फिर रिजल्ट देखें कि किस तरह आपका अपर चेस्ट भी इम्प्रूव करता है आपके अदर मसल्स की तरह। सो बेसिकली हम एक सुपरसेट करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड इंक्लाइन डंबल फ्लाई का, बट कोई नॉर्मल सुपरसेट नहीं होगा ये। इसमें हम पहले एक डंबल प्रेस का रिपीटेशन करेंगे, देन उसके बाद में एक डंबल फ्लाई का, देन डंबल प्रेस 2 डंबल फ्लाई, देन 3 रिपीटेशन डंबल प्रेस, देन 3 डंबल फ्लाई, इस तरह 4 और 5 तक होगा। तो थोड़ा टफ होने वाला है ये आपके लिए, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा हैवी वेट आप सेलेक्ट ना करें। लाइट वेट में आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, हैवी वेट के लिए जाएंगे तो आप 5 तक जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वेट लाइट रखें और कॉन्ट्रैक्शन को फील करें।